Assalamualaikum, वेलकम टू कुकिंग के डॉट कॉम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल ब्रोकली विथ बीफ। बहुत ही मज़े की बनती है, आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रोकली विथ बीफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ लिया है, बोनलेस लिया है, इसे मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। एक अदद दरमियाने साइज़ की ब्रोकली को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। दो खाने के चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है, दो खाने के चम्मच चिली सॉस, दो खाने के चम्मच सोया सॉस, एक चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक मौजूद होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीफ में डाल देंगे आधा चॉप किया हुआ लहसुन, साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, नमक डाल देंगे, साथ ही इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बीफ को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करके तकरीबन एक से डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके इसमें बचा हुआ गार्लिक डालकर इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। जैसे ही गार्लिक गोल्डन फ्राई हो जाएगा, इसमें हम ब्रोकली ऐड कर देंगे। ब्रोकली को हम दरमियानी आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच को हमने हल्का रखना है। तो यहाँ पर ब्रोकली हमारी पक चुकी है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा, हम इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ बीफ था वो ऐड कर देंगे और बीफ को हम तेज़ आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कि बीफ का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। बीफ को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल चुका है। इसमें चिली सॉस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो फ्राई की हुई ब्रोकली थी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार ब्रोकली विद बीफ तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे गार्लिक राइस के साथ सर्व करें। गार्लिक राइस का लिंक आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।